हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट रेरा एक्ट। काफी लोगों को पता है रेरा एक्ट के बारे में, काफी लोगों को नहीं पता है रेरा एक्ट के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट रेरा एक्ट, क्या होता है रेरा एक्ट, इसके अंदर क्या फायदे और क्या नुकसान है, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेरा का फुल फॉर्म होता है रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी एक्ट। रेरा जो बनाया गया है, ये कॉन्ट्रैक्टर और एक कंज्यूमर जो आपका बायर है, इनके बीच में एक ट्रांसपेरेंसी दिखाई जा सके, इस ट्रांसपेरेंसी के लिए रेरा एक्ट को बनाया गया है। रेरा एक्ट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया, इसे राज्यसभा ने 10th ऑफ मार्च 2016 को पास किया और लोकसभा ने 15th मार्च 2016 को पास कर दिया और साथ ही साथ इसको जो लागू हुआ, जो ये लाइक फॉलो होने लगा, ये एक मई 2017 से रूल फॉलो करने लगे लोग। दोस्तों, इस रूल से कई ढेर सारे फायदे हुए, एक एक करके हम लोग सारे फायदे के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फायदा जो है इस रेरा एक्ट के आने से, ये हो गया कि अब कोई भी कॉन्ट्रैक्टर का आप रिव्यू चेक कर सकते हो, उसने पीछे कैसे काम किया है। रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी के जो ऑफिसेस होते हैं, हर एक स्टेट में अपने ऑफिसेस हैं, वहां जाके आप कॉन्ट्रैक्टर का डिटेल ले सकते हो कि कॉन्ट्रैक्टर ने कितने बिल्डिंग बनाए, कितना कॉन्ट्रैक्ट, कैसे उसने सेल किया, कोई फ्रॉड तो नहीं किया है उसने अपने करियर में, तो उसका टोटल बायोडाटा मिल जाता है। सबसे पहला इसमें फायदा ये हो गया। दूसरा फायदा ये हो गया दोस्तों कि कॉन्ट्रैक्टर अगर आपसे पैसे ले लिए और पैसे लेने के बाद उन्होंने आपको प्लान दिखाया कि ये प्लान है और बाद में उन्होंने प्लान को चेंज कर दिया, वो इस एक्ट के अंदर पकड़े जाएंगे, वो ये नहीं कर सकते। जब तक प्लान में चेंजिंग के लिए, प्लान में कोई छोटी सी भी चेंजिंग होगी, पूरे बिल्डिंग को जिसने भी खरीदा है उसके 2/3 उस पर वोट नहीं करेंगे, नहीं बोलेंगे करने के लिए, तब तक वो कॉन्ट्रैक्टर उसमें कुछ भी कंस्ट्रक्शन को चेंज नहीं कर सकते हैं। तीसरा सबसे अच्छा इसमें जो मिलता है वो है स्क्रॉ अकाउंट। दोस्तों, स्क्रॉ अकाउंट क्या होता है? स्क्रॉ अकाउंट के अंदर कॉन्ट्रैक्टर को जो भी रजिस्ट्रेशन अमाउंट मिला है उसका 70% एक स्क्रॉ अकाउंट मींस बैंक में एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है, जिसके अंदर रखना पड़ता है। दूसरी एक अच्छी बात है, इस 70% को कहीं भी दूसरे बिजनेस में वो यूज नहीं कर सकते हैं। इस 70% जो भी उनका अमाउंट है, इसको सिर्फ उस लैंड के लिए, उस बिल्डिंग के मटेरियल के लिए ही यूज किया जा सकता है, उसके खरीदने के लिए, उसको कुछ बेचने के लिए, उसके लिए ही आप इस 70% अमाउंट को कर सकते हो। तो मतलब कि बीच में कॉन्ट्रैक्टर कुछ भी गलत नहीं कर सकते। एक और सबसे अच्छी चीज इसमें जो मुझे दिखाई दी वो ये कि अगर आपका स्ट्रक्चर बन गया है और उसमें से आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, 5 साल के अंदर कोई भी, 5 ईयर की गारंटी देते हैं लोग, 5 ईयर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो तुरंत आप कॉन्ट्रैक्टर को कॉल कर सकते हो, उन्हें कंप्लेन कर सकते हो और कॉन्ट्रैक्टर को उस डिफेक्ट को, जो भी डिफेक्ट रहेगा, उसको 30 डेज के अंदर ठीक करके देना पड़ेगा। अगर वो 30 डेज के अंदर ठीक करके नहीं दे पाते हैं तो वो आपको उसका अमाउंट पे करेंगे कि सॉरी ये नहीं ठीक हो सकता है, आपको इसके लिए इतना पेमेंट मिलता है। तो ये चीजें मुझे बहुत ही अच्छी लगी लाइक एक इसके लिए। साथ ही साथ जैसे कि हमने रेरा में देखा, तो अब रेरा में होता क्या था, लोग कुछ भी प्लान बना के रखे हुए हैं और उसका कंस्ट्रक्शन करवा रखे हैं, प्लान आपको दिखाते नहीं थे, जो डिटेल प्लान होता था, जो फाइनल प्लान होता था, वो लोग दिखाते नहीं थे। बट अभी रेरा के अंदर ये एक्ट है कि आपको जो भी आप प्लानिंग करने जा रहे हो उसका प्रॉपर आपको दिखाना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हम ये बनाने वाले हैं, तो सब कुछ डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और एक बहुत अच्छी चीज रेरा के अंदर यह है कि दोस्तों, अभी तक क्या होता था कि कॉन्ट्रैक्टर भी बिल्डिंग बननी स्टार्ट नहीं हुई, पास नहीं हुई और वो लोग मार्केटिंग करने लगते थे और बेचने लगते थे। अभी आपको पहले बिल्डिंग को दिखाना पड़ेगा कि हमने ये अप्रूव कर लिया है, उसके बाद ही आप उसके एडवर्टाइजमेंट, उसको सोल्ड करने का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते। अब दोस्तों, इसमें बात यहां पर आती है कि जो रेरा है ये कौन से बिल्डिंग के लिए फॉलो होता है ये रूल। तो दोस्तों, अगर आपका बिल्डिंग, जो भी आपका प्लॉट एरिया है उसका अगर 500 स्क्वायर मीटर से अधिक है, वो 500 स्क्वायर मीटर से अधिक लैंड है, तो ये रेरा के अंडर में उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा।
या अगर आपके बिल्डिंग में 8 अपार्टमेंट या उससे ज्यादा अपार्टमेंट बन रहे हैं तो भी आपको इसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। दोस्तों रेरा में कॉन्ट्रैक्टर का एक और सबसे अच्छा फायदा यह है कि अगर उन्होंने आपको डेट ऑफ पोजीशन दे दिया कि इस डेट को हम पोजीशन देंगे, अगर वो उससे कुछ भी दिन लेट किए, अगर उन्होंने 1 महीने लेट किया, मान लीजिए उन्होंने 2 साल के लिए बोला था, 1 महीने भी लेट किए तो उनको उसका पेमेंट करना पड़ेगा, उसका उनको पेमेंट करना पड़ेगा कि हम ये लेट थे, तो इंटरेस्ट के साथ वो आपको पेमेंट करेंगे उस चीज उस एक एक का। साथ ही साथ ये तो रहा कॉन्ट्रैक्टर के लिए। अब बात करते हैं जो डीलर है, डीलर भी आपका, अगर आप डीलर बनना चाहते हो या आप डीलर हो तो ऑलरेडी आपका वहां पे एक अकाउंट रेरा खोल के रखता है, उसमें आपका सारा ओवरव्यू दिखाता है कि ये ऐसे थे, इन्होंने इतने प्रॉपर्टी सेल कराए हैं, इतना इन्होंने पैसे की कमाई किया हुआ है, तो प्रॉपर आपका एक रिटर्न मिल जाएगा, तो हम मतलब जो भी बायर है वो बिलीव कर सकता है डीलर पे अच्छे तरीके से। लास्ट, पहले तो हमने देखा कॉन्ट्रैक्टर के लिए, फिर देखा डीलर के लिए, अब बायर के लिए भी रूल्स हैं इसमें कुछ। बायर्स के लिए क्या रूल है, अगर उन्होंने पेमेंट को टाइम पे नहीं किया तो उन्हें पेमेंट के साथ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर उन्होंने कंटिन्यू इस तरीके का रूल फॉलो किया कि हम पेमेंट वो लेट ही कर रहे हैं, लेट ही कर रहे हैं, तो बिल्डर के पास अथॉरिटी है कि वो आपको उस प्रॉपर्टी से टर्मिनेट कर सकता है। तो टर्मिनेट करेगा तो प्रॉब्लम कहां पे आएगी दोस्तों, टर्मिनेट करेगा तो आपको सिर्फ जो आपने रजिस्ट्रेशन अमाउंट दिया था और जो इंटरेस्ट दिया था वो काट लेगा, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा वो आपको दे देगा, जो कि बहुत ही कम बचता है। तो कोशिश करिए कि अगर आपने बिल्डिंग ले रखा है तो उसे कंप्लीट ले ही लीजिएगा, नहीं तो क्या करेगा, बुकिंग अमाउंट काट लेगा और उसके बाद आपका जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, जो भी इंटरेस्ट वगैरह था, वो काट लेगा, मेन अमाउंट आपको बचा देगा। साथ ही साथ दोस्तों इसमें एक और अच्छी चीज है कि एक बिल्डर को सिर्फ और सिर्फ जो हक है वो कार्पेट एरिया बेचने का हक है। अभी तक लोग क्या करते थे, बिल्टअप एरिया, अभी भी कुछ लोग बिल्टअप एरिया को ही सेल कर रहे हैं, बट रेरा एक्ट के अकॉर्डिंग अगर वो कार्पेट एरिया को नहीं बेच रहे हैं तो आप उनके लिए जा सकते हो और कोर्ट में भी आप जा सकते हो और बता सकते हो कि इस तरीके का फ्रॉड किया जा रहा है। तो ये ट्रांसपेरेंसी लाने का बहुत ही अच्छा तरीका था रेरा का, मैं तो बहुत ही ज्यादा इसको अप्रिशिएट करता हूँ। दोस्तों ये इंडिया के 19 स्टेट में फॉलो हो रहा है, 19 स्टेट में ये चल रहा है ऑलरेडी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उधर बिहार, उधर आपका सिर्फ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये जो कुछ कॉर्नर्स के जो सिटीज हैं, सॉरी स्टेट्स हैं, इनमें केवल नहीं चल रहे हैं, बाकी सब में चल रहा है। और नीचे अगर तेलंगाना की बात करूँ, सिर्फ वहाँ नहीं है, बाकी केरला, हर जगह पे आपको रेरा का एक्ट फॉलो किया जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा, जो कह सकते हो आपकी सरकार के द्वारा बहुत ही सराहनीय काम किया गया रियल इस्टेट के अंदर। तो आपको इसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद भी कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हो या कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो रियल इस्टेट के लिए, तो आपसे रेरा के बारे में जरूर पूछ सकते हैं। तो आज होप आपको रेरा के बारे में समझ आ गया होगा। मेरे यूनिसिविल वेबसाइट पे भी रेरा के बारे में मैंने बताया हुआ है, साथ ही साथ मैं आपको अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे भी रेरा का एक पीपीटी डाल दे रहा हूँ, अच्छे से वहां पे पढ़ लीजिए। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।